नमस्कार, एपी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम रबड़ी पराठा बनाने वाले हैं, जो कि दिल्ली की पराठा गली का फेमस पराठा है। तो आइए हम रबड़ी का पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने 2.5 लीटर दूध से ये रबड़ी पहले से ही बना के रखी थी, तो उसको थोड़ा फ्रिज में रख दिया था। थोड़ी सी थिक रबड़ी हमको चाहिए। उसके बाद ये 1/4 कटोरी हमने घी लिया है तलने के लिए, और ये आटा हम अटावन के लिए लेंगे, और ये बादाम थोड़े से गार्निशिंग के लिए लिए, ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। पराठा बनाने के लिए मैंने इस कटोरी के मेजरमेंट से 2 कटोरी आटा लिया था, उसमें 2 चम्मच मोयन डाला है घी का, और थोड़ा सा चुटकी नमक डाला है, और ये मैंने डो पहले से बना कर रखा था, और इसको 20 मिनट के लिए मैंने सेट कर दिया है। तो आइए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे के लिए मैंने इसको थोड़ा सा घी लगाएंगे हम, इसको हमको रोटी जैसा बेलना है, लेकिन ज्यादा पतला नहीं बनना। अब इसमें हम ये रबड़ी की स्टफिंग को भरेंगे। ये रबड़ी की स्टफिंग को हमने इसमें डाला है, और इसको इस प्रकार से इसको हम दबा देंगे। इसके बाद हम गैस चालू करेंगे। अब हम इसमें ये पराठा डालेंगे, और इसको धीमी आंच में हम तलेंगे। पराठे इस पराठे को आप यदि डीप फ्राई करके नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसको पराठे जैसा भी बना के शेलो खा सकते हैं। आप इसको अब ये हमारे पराठे तल चुके हैं। ये देखिए ये हमारे पराठे तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे। हमारे अच्छे बढ़िया पराठे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये तैयार है। इस पराठे को आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली में इसको आलू की सब्जी और ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे, तो ये पराठे और भी टेस्टी लगते हैं। इस पराठे को देखिए, ये कितना क्रिस्पी, ये देखिए इसके अंदर जो रबड़ी है वो इस टाइप से पूरी मेल्ट हो चुकी है। हमारा रबड़ी पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये इसको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठा, रबड़ी का पराठा। और इसको आलू की सब्जी दही के साथ भी खा सकते हैं, और ग्रीन चटनी के साथ।
इसको जरूर आप ट्राई कीजिए। यदि आपको ये करी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।